स्पीच सर्विस बाय गूगल, इस तरह की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में दिखाई दे रही होंगी। काफ़ी दिनों से वो जा नहीं रही थी, उसको किस तरह से हटाएं, सबसे पहले मेथड है उसके आपके बारे में आपको बताऊंगा। सेटिंग में जाना है, उसके बाद में गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद सेटिंग फॉर गूगल ऐप्स में जाना है, जो आपको मैं इस रिकॉर्डिंग में दिख रहा है। उसके बाद में आपको जाना है सर्च असिस्टेंस एंड वॉइस में। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वॉइस, उस ऑप्शन को क्लिक करना है। वॉइस को क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऑफलाइन स्पीच रिकॉग्निशन में। इसके अंदर देखिए ऑटो अपडेट में आपको दिख रहा होगा कि ऑटो अपडेट लैंग्वेज और वाईफाई ओनली और डेटा चार्जेस और डू नॉट ऑटो अपडेट लैंग्वेज। तो आप इन तीनों में से किसी को भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं। उसके बाद में आपको देखना होगा कि आपने कौन से लैंग्वेज को इंस्टॉल कर रखा है, उनको पहले सबसे पहले आपको अनइंस्टॉल कर देना है। ये फर्स्ट मेथड आपको मैं बता रहा हूँ, इससे सॉल्व अगर आपका होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सेकंड मेथड भी मैं आगे बताऊँगा। तो देखिए करने के बाद आपको एक बार नेट को ऑन ऑफ करना है। तो मेरे लिए ये मेथड जो है काम नहीं कर रही है, ये नोटिफिकेशन ऐसे हट नहीं रहा, स्विच ऑन ऑफ करने के बाद ये शायद ऐसे हट जाए, लेकिन मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगा, उससे 100% श्योर आपका ये नोटिफिकेशन हट जाएगा। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है गूगल स्पीच रिकॉग्निशन नाम से, स्पीच सर्विस बाय गूगल ये भी चलेगा। इसके बाद में आपको इसको क्लिक करना है और जो आपने अपडेट कर रखा है इस एप्लीकेशन को, उसको सबसे पहले यहाँ से आपको अनइंस्टॉल करना है। देखिए अनइंस्टॉल करते ही वहाँ से नोटिफिकेशन जो डाउनलोडिंग का दिख रहा है वो हट जाएगा, लेकिन हमको अपडेट भी करके रखना है इसको। फिर से इसको दोबारा अपडेट के लिए मैंने लगा दिया और इसको अपडेट कर लेना है, वो नोटिफिकेशन वहाँ से हट जाएंगे। मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो जरूर से लाइक कर देना दोस्तों, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए यहाँ से ये नोटिफिकेशन हट चुकी है।